हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके साथ आज मैं एक ऐसी सब्ज़ी शेयर करने वाली हूं जो छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये अक्सर बारिश के मौसम में मिलती है। जनरली आपको ये किसी भी मौसम में नहीं मिलेगी और बहुत ही रेयर मिलती है। बारिश है बम्बू, बम्बू मतलब ये जो जनरली बांस होता है, हम लोकल भाषा में इसको बांस बोलते हैं। बताती हूँ कि इसको बनाते कैसे। तो ये जनरली मार्केट में इस तरह से मिलता है, कुछ लोग कटा हुआ भी बेचते हैं। तो अगर इस तरह से मिलता है तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको हम सबसे पहले पीस पीस में काट लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से पीस पीस में काट लेना है सारी सब्ज़ी को। और यहाँ पे हमें तड़के के लिए लगेगा टमाटर भी हम इसमें डालेंगे, तो मैंने काट के रख लिया है। और तड़के के लिए लगेगा लहसुन, मिर्ची और प्याज, तो इसको भी मैंने काट के रख लिया है। और अब इसको सब से पहले बॉईल करने रख देंगे। तो बॉईल के लिए ज़्यादा पानी आपको इसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा बस आपका जो करी ले वो डूब जाए और बस बंद करके गैस में चढ़ा देना है। 2 से 3 सीटी आने पे आप इसको छान लें और थोड़ा से 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दीजिए ताकि इसका जो पानी है वो सारा अच्छी तरह से निकल जाए। तो जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए, तड़के में अब मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और कटा हुआ अदरक, लहसुन और प्याज मिर्ची जो था उसको डाल देना है और थोड़ा सा अच्छे से भून लेना है जब तक ब्राउन हो जाए, फिर अपनी जो करी था उसे डाल देना है। और इसको धीरे, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं भूनना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो बस थोड़ी थोड़ी आंच में आप इस तरह भूनते जाइए और इसके ढक के ज़रूर रखिएगा क्योंकि ढकने से बहुत जल्दी पकता है। जैसे ही थोड़ा सा पक जाए इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी और बस इसको अच्छी तरह से चला के और ढक देना है। अब ये जैसे ही आपका सेमी पक जाए, मतलब आधा पक जाए, तो आप कटा हुआ टमाटर डाल के और इसको थोड़े टाइम के लिए ढक देना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए टमाटर गल चुका है और हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें फिर हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला, आपके पास अगर गरम मसाला है तो गरम मसाला डाल दीजिए या फिर आप जो रेगुलर मसाला डालती हैं उसे ही डाल दीजिए। और बस इसको थोड़ा 10 से 5 मिनट पकने दीजिए और ये बनके तैयार हो गई। तो कैसे, तो फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई सा भी वीडियो आप डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।